देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान कश्मीर इलेक्शन स्पेशल आज हम मौजूद हैं गला जिनाला और ये वो तारीखी जगह है जहां से जिनाल बरदरी की बुनियाद रखी गई और बहुत ही आला सपूत इस खत्ते ने पैदा किए और आज ये इलाका पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की सियासत में मरकज़ी किरदार अदा करता है और मरकज़ी हैसियत रखता है और आज हमारी खुशकस्मती है कि यहाँ के मोज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि पच्चीस जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उन एलेक्शन के हवाले से क्या लाल होगा और ये बरदरी क्या फ़ैसला करेगी और इसके जो मरकज़ी कायदीन हैं वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के वाले से और इस इलाक़े के वाले से चूँकि इस इलाके को बहुत ही तारीखी हैसियत हासिल है और हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके में तकरीबन हम कोई साढ़े चार हज़ार फिट की बुलंदी पे मौजूद हैं और इस इलाके की आवाज़ बने के ट्वेंटी वन न्यूज़ का ये ख़ासा रहा कि वो कश्मीर को कवर करता है कश्मीर की बात करता है कश्मीरियत की बात करता है और आज चूँकि यहाँ के जो लोग हैं बहादुर हैं और हमेशा ालम और मजलूम का जो टाकरा रहा वो इस इलाके में रहा और हमेशा कुर्बानियाँ दी कश्मीर के लिए और अपनी बरदरी के लिए अपने नाम के लिए अपने इलाक़े के लिए आज इन्हीं लोगों से जानेंगे उनके मसाइल क्या हैं और उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ होती रहीं और इन ज़्यादतियों का अब क्या इजाला हो सकता है और क्यों यहाँ की लीडरशिप जो है वो यहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं उन पर तोजो नहीं दे रही और वादे आपको पता है जब इलेक्शनस के सीज़न होते हैं वादे होते हैं और वो वादे फिर वफ़ा नहीं होते क्यों वादे वफा नहीं हुए और आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ आज हमारी खुशकस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हम हैं जनाब सदर आज़ाद कश्मीर के मशीर जनाब जायद मुगल साहब हम उनसे जानेंगे आ, सबसे पहले कि वो आ, किस तरह देखते हैं इस इलाके के मसाइल को और बरदरी के वाले से क्या कहना चाहेंगे आ, सर हम कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया के ट्वेंटी वन न्यूज़ टी वी को और यहाँ का जोश वलवला और जज्बा और जिस तरह तारीखी वेलकम हुआ इस हवाले से क्या कहेंगे और इससे तारीखी जगह जहाँ हम खड़े हैं इस बारे में बताएँ हमारे नाजरन को बिसम रिम बहुत शक्रिया आपका बात यह है कि ये गला जनाला जो है और वैसे भी ये जो अलका नंबर छः बलोच का है इसमें तकरीबन पंद्रह से सोलह हज़ार वोट जनाल बरदरी का है मुग़ल जनाल बरदरी का है और अलहमद ला ये सारी की सारी बरदरी जो है वो मुतफिक है इससे कबल ये वोट तकसीम होकर देते रहे लेकिन इस दफ़ा इन सब ने मुतफ़ का फैसला ये किया है कि हम किसी एक को वोट देंगे जो इनको सबज बागनी दिखाएगा इनके मुतालबात को पूरा करेगा और इन यहाँ पर जो इनके मेन इशू थे एक तो इनके बड़ों के नाम पर जिन्होंने यहाँ पर स्कूल की और तालीम की बुनियाद रखी उनके नाम पर जो यहाँ पर स्कूल के नोटिफिकेशन हुए हुए थे दूसरे लोगों ने उसको चेंज करवाने की कोशिश की लेकिन अलहमदिल्ला इनके भरपूर बरवक़्त एहतजाज से उस काम को रोक दिया गया फिर जो यहाँ पर अपना बाज़ार बनाना चाहते हैं अपनी मलकियती ज़मीन के अंदर अपनी पहचान के लिए उस बाज़ार को रोका गया उसमें भी अल्लाह पाक ने इनको फता फरमा दिया जो इनके रोड के मसाइल और जिसमें बच्चों की तालीम याफ्ता, बच्चों की नौकरियों के मसाइल थे जिनको आज तक नहीं पूछा गया कोई काम भी इनका बर वक्त इनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हुआ आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये लोग जो है वो सर पर जो है वो गागर उठा पानी ला रहे हैं और जो है चरपाइयों के ऊपर अपने मरीजों को रोड तक लेकर जा रहे हैं जो है वो रोडों का निज़ाम भी जो है वो नहीं है और फिर बाकी भी बुनियादी सहूलतों से आज के इस तरह की याफ्ता दौर में ये मरहूम है इस बात के बावजूद कि ये जो बरदरी है इसमें बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे उदों पर लोग फाइज भी हैं मौजूद भी हैं और थे भी लेकिन अब जिस कौम का सियासी शूर बेदार न हो उसकी उसके साथ ये चीज़ें होती हैं अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन लोगों को इन ज्यातीयों के सहने से जो तोहफ़ा मिला है वो ये मिला है कि इनका सियासी शूर बेदार हो गया है जैसे जब स्कूल का नाम चेंज करने की कोशिश की तो ये इकट्ठे हो गए इसी तरीके से अपनी महरूमियों को देखते हुए जो इनको नहीं मिली और इनके वोट ले लिए जाते थे सब्ज़ बाग दिखाकर अब अल्लाह के हकम से ये लोग जाग गए और ये लोग मिल कर फैसला करके वोट देंगे ताकि इनके काम हो ये दोबारा सब्ज़ बाग में न जाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि दोबारा सब्ज बाग में नहीं जाना चाहिए अब इनके मसाइल हल होंगे इससे पहले वादे हुए और वो वादे वफा नहीं हुए हमने देखा कि इलेक्शन का जब सीज़न आता है तो इस तरह की बातें होती हैं लेकिन ज़ाहिर साहब आप चूँकि इस बरादरी के बड़े हैं आप समझते हैं पाकिस्तान की सियासत को भी आज़ाद कश्मीर की सियासत को भी समझते हैं किस तरह यहाँ के जो लोग हैं वो यकीन करें चूँकि वो चाहते हैं कि इस दफ़ा हम मुतफिक होके वोट दें और उस कैंडिडेट को वोट दें जो सही मानो में हमारा नुमाइंदा हो और हमारी बात करे लोगों को यकीन दहानी के हवाले से क्या कहेंगे बात यह है कि ये बड़ी आसान सी बात है ये फार्मूला जो यकीन का है ना ये बड़ा आसान सा फार्मूला है आप सल्ला फरमाए जो शख्स पाँच वक़्त नमाज पढ़े उसके ईमानदार होने की गवाही दो ईमान नजर तो नहीं आता अंदर होता है बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है पता तो नहीं चलता कि इसने रोज़ा रखा हुआ है या नहीं क्या पता अंदर बाथरूम में जाके पानी पी रहा हो छुप के रोज़ा तोड़ रहा हो ईमान बिन देखे चीज़ सौदे का नाम है लेकिन बंदा ज़ाहिर को चीज़ों को देखता है जैसे बादल का गरजना बिजली का चमकना बारिश की निशानी है ऐसे ही जो बंदा आपके साथ वादा कर रहा है आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी को देखें उसके पसे मंज़र को देखें उसकी सूरत को देखें और कोशिश करें कि ये देखें कि वो कितने ईमान के साथ बात कर रहा है ये पैमाना आपके पास है अगर ये ख़ूबियाँ हैं अगर किसी में तो उसकी बात पर यकीन करें जजाकल सब कुछ कह इसम बिल्कुल मैं उनकी तरफ भी आऊँगा चूंकि तमाम लोगों से बात करनी है बिल्कुल मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ चूँकि जाहिर साहब का टाइम ले लें उसके बाद हम आपकी तरफ आएँगे क्या समझते हैं आखिरी पैगाम जिस तरफ आपका इशारा भी था हम भी समझते हैं कि लग रहा है कि इस वक्त जो पी एम का जो क्लब है वो शायद चेंज होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में मतलब पहली दफ़ा वजी अजम चेंज होगा पहले हम देखते थे तीन तीन बारियाँ जिन्होंने ली हुई हैं वही वजी अजम बन रहे हैं इस बात के हवाले से चूँकि हमारे नाजरन को भी बताएँ और तो पे ये जो पूरा बेल्ट है इसमें बड़ी बेचैनी है तो उम्मीद है कि इन चेंज आएगा और वो चेंज यहाँ के आवाम के लिए और भी और इसके मजाफात के जो इलाके हैं उनके लिए भी तब्दीली का बास बनेगा बात यह है ये सच्ची बात करनी चाहिए कोई टकी छुपी बात नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से नारा वोट को दो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नारा दे दिया जी कि कश्मीर का सौदा नामंजूर यह कश्मीर को सूबा बना रही है गर्मेंट जो नहीं आएगी ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए नारे हैं सच्ची जो बात है किसी की जरूरत ही नहीं है कि वो कश्मीर को सूबा बनाए ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग रहने वाले थे ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि सूबा बने कोई भी कश्मीरी ये नारा फारूक हजर को बेचने की इजाज़त नहीं है समझिए ये जो वो नारा लगा रहा है और इल्ज़ाम थोप रहा है जनाब के कश्मीर का सौदा आना चाह रहा है जी कश्मीर को बचाने के, के लिए अकेले तुम खाली अकेले ठेकेदार नहीं हो कश्मीर के बचाने के जो साफ बात है ठीक है हम सब कश्मीरी मौजूद हैं ठीक है ये तासब और ये सोचना पैदा करो पहली बात दूसरी बात है कि अल्लाह ने चाह मेरे रब ने चाह तो इन प्राइम मिनिस्टर क्लब आजाद कश्मीर में जनाब इमरान ख़ान साहब इस दफ़ा तोड़ेंगे ये जो बरदरीों के राजवाड़े बने हुए और ये जो सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कोई डर नहीं है बड़ा ब्लैक मेल मुझे किया कि जी तुम्हारे फ़लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फ़लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस दफ़ा अल्लाह से भी मांगें और कोशिश करें कोशिश करें कि इमरान ख़ान साहब इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर क्लब में इनका कारोबार क्या है जी सियासत इनका कारोबार है फारूक हैदर साहब क्या करते हैं मुझे बताएं ना क्या कारोबार होगा सुल्तान का क्या कारोबार है अतीक साहब का क्या कारोबार है सियासत कारोबार है समझ गए यही बिज़नेस है इनका और कहाँ से ये कमाते हैं कहाँ से ये खाते हैं ये ठेकेदार बने हुए हैं और बड़े अच्छे वक्तों में बन गए आज तक इनकी इजारदारी कायम है अल्लाह पाक की ज़ेली बेहतर करे इन शह सही लोग आगे आए ठीक है फिर आप देखेंगे कश्मीर आप यकीन करें क्या काम किया सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है अरबों रुपये लबे कुर गए किधर गया अरबन रुपये ठीक है रोडों की हालत है बहुत सारा सच है बहुत मजबूरियाँ होती हैं बंदा खोल नहीं सकता ठीक, ठीक है मुजफ्फरबा जाएँ तो अंदर बड़ों नहीं, नहीं देने मैं मशीर रहूँ ना झंडी है ना नेशनल फ्लैग है ना आज़ाद कश्मीर का लेंगे दोबारा भी अल्लाह के हुक्म से ठीक है यकीन करें खुदा की कसम वो प्राइम मिनिस्टर बाहर उसका वो राजा अरशद खड़ा है या वो दूसरे को अंदर ही नहीं जान देते थे ये हालत उन्होंने बनाई हुई थी तो ये बातें ऐसी हैं खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है ये इलेक्शन है इनशाला जवाब देंगे भरपूर देंगे इन तश्फ़ रखें ये थे जायद ज़ायदल साह बता रहे थे कि किस तरह कश्मीर की सियासत में कैसे मदो आते हैं किस तरह इन्फ्लेंस है चंद लोगों का और ये इन्फ्लेंस इस दफ़ा टूटने जा रहा है और अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और छोटी बरदरी से हैं और उस बरदरी से हैं जिस बरदरी का ताल्लुक यहाँ के इलाके के लोगों का है जो यहाँ मौजूद हैं और इस दफ़ा इन शाल आ, उन मज़लूम लोगों की और उन बहादुर लोगों की हो होगी जिन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन उनकी कुर्बानियों की किसी ने कदर नहीं की मास्ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें और आज की इस पूरी महफिल के चूँकि वो मेज़बान हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इस मीटिंग का अरेंज किया और बहुत ही दूर दराज से लोग आए आ, क्या कहने चाहेंगे हमारे नाजर के लिए भी और ख़ास तौर पर चूँकि इलेक्शन हैं और फिर मशीर साहब यहाँ पर आए और टाइम निकाला उन्होंने ये वो वक्त है कि बरदरी एक हो सब मुतफिका तौर पर आगे बढ़ें और आपके जो इलाके के इशूज़ हैं उनको हल कर सकें जी बिसमी सबसे पहले आपने एक सवाल राज साहब से किया था क्योंकि ये उनकी ज़ात से मतलब था तो शायद वो उस तरह जवाब देना नहीं चाहते थे वो जवाब मैं दे देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपकी बात पर कैसे यक़ीन किया जाए कि पहले लोग भी तो ऐसे ही वादे करते थे मैं एक फ़र्क़ आपके सामने गुजारिश कर देना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि पहले जो वादे करते थे वो फासक लोग थे और फासक की अलामत से आप बखूबी वाकफ हैं और ये चूँकि फासक नहीं हैं दीन के पैरोकार हैं उनके जार से भी दीन टपटता है तो एक दीनदार आदमी किसी सूरत झूठ नहीं बोल सकता इसलिए हमें इनकी बात में और उनकी बात में ये फ़र्क नज़र आता है कि यह बात जो इन्होंने की है ये पूरी होगी इनशा और जो वो कर रहे थे वो सिर्फ वक्ती तौर पर अपने किसी मफाद की खातर कर रहे थे दूसरा सवाल आपका क्या था आपका जो असल सवाल अब एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे ताकि इन पूरी कोशिश है हम आपस में कंसेंसस पैदा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं वैसे भी हमारी बरादरी एक स्टेज पर है एक पेज पर है और हम कोशिश करेंगे कि सारे मिलकर एक ही आदमी को वोट दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा बहुत अच्छा इसमें ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इतहाद का मुजाह करें और जितने आप मुतफिक होंगे जितना आप अपना साउंड कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा आपको जीत की तरफ लेके जाएगा यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का मिलेंगे ब्रेक के बाद